ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम एक पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम इससे मेन कार्ड्स निकालेंगे, देन हम क्लैरिफाई करेंगे एंड फाइनली हम डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे आपकी जो भी करंट सिचुएशन होगी उसके बेसिस पे। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करना है आपको नंबर पे और देन आई विल रिवर्ट टू यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। और किसी कोई भी ये रीडिंग देख रहा है अपने सन साइन या मून साइन या आपके नेम से भी मैच होती है एनर्जी, तो आप देख सकते हैं, जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, कुछ भी अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो स्कॉर्पियो, देखते हैं क्या है आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज फ्रेंड्स आपके लिए, ठीक है। सो ये है आपका पास्ट, दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड दिस इज़ योर फ्यूचर। सो पास्ट में मैं आपको देखूं तो कंडीशनिंग का कार्ड आया है कहीं ना कहीं। कंडीशनिंग बेसिकली फ्रेंड्स वो चीज़ें होती हैं जो हम शायद बहुत हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं या हम सोचते हैं या हम जिस तरह से पले बड़े होते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को ही सच मानने लग जाते हैं कि ज़िंदगी को जीने का यही तरीका है। देखते हैं क्या कंडीशनिंग में आया है। डेथ एंड रीबर्थ, द सन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स कि सबसे पहला कार्ड आया है डेथ एंड रीबर्थ। या तो किसी चीज़ में कुछ ऐसी एंडिंग हुई है, कुछ ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा ख़त्म हुआ है जो शायद आपने नहीं सोचा था, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ग्रोथ जो ख़त्म हो गई है या कोई ऐसी बात जहाँ पर एक एंडिंग आई है लाइफ में, एक पुरानी चीज़ ख़त्म होकर एक नई चीज़ शुरुआत हुई है। और द सन के साथ एक ऐसी शुरुआत हुई है जिसने लाइफ में आपको थोड़ा सा एक ब्लंट पर्सन बना दिया है, जो मुझे दिख रहा है पास्ट में मुझे नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा ब्लंटली बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने एक एक आपके अंदर एक किस तरीके का रीबर्थ हुआ है चीज़ों में, जहाँ पर शायद आपने जो कंडीशनिंग थी या जो आपने चीज़ों को सोच रखा था आज तक, शायद उस चीज़ का एक डेथ हुआ है, एक उस चीज़ का रीबर्थ हुआ है, उस पैटर्न का रीबर्थ हुआ है जो आपने आज ख़त्म करा हुआ था पुरानी पास्ट में। करंट में अगर मैं देखूं तो सप्रेशन का कार्ड आया है। सप्रेशन इज़ लाइक कि अपनी किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश कर रहे हैं या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप करंटली आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप शायद बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो राशि किसी के लिए बहुत फील करते हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आप धीरे धीरे उस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या डिस्प्यूट्स हैं इस रिश्ते में या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है ये आपके जॉब करियर रिगार्डिंग भी हो। क्या ऐसी बात है जो आप अपने आप को कहीं ना कहीं अपने मन को ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आगे बढ़ते हैं फिर आप वन पर आके खड़े हो जाते हैं, आप फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब आप देखें आप वन से टेन पर जाते हैं और टेन भी आपका फिर वो वन ही बन जाता है। तो आप प्रेजेंट में कहीं ना कहीं अपनी वो मन की फीलिंग्स को, अपने दिल की आवाज़ को, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ये आपकी मुझे प्रेजेंट एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। कमेंट करके बताना कि ऐसा है। फ्यूचर में जो मुझे कार्ड दिख रहा है वो है आइसोलेशन का। अब आइसोलेशन को मैं देखती हूँ किस तरीके का आइसोलेशन है। ये किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि जो नाइट ऑफ कप्स था, शायद वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आप अपने मन में उस चीज़ के लिए और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, कंटेंटमेंट वाले रास्ते पे ले जाएंगे। लेकिन मिल भी जाएंगी चीज़ें, लेकिन आप अब
उस तरह से नई चीज़ों को देखेंगे जैसे पहले देखते थे। अब की बार आपने शायद अपने आप को एक ऐसे लेवल पे ले गए जहाँ पर आपने हर चीज़ भगवान पर सौंप दी, भगवान के ऊपर अर्पण कर दी। फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप जहाँ जाने की सोच रहे थे या जिस पर्सन को पाने की सोच रहे थे या लाइफ में एक स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे थे, आप उन चीज़ों तक पहुँच भी जाएंगे और वहाँ तक आ भी जाएंगे। लेकिन एक ऐसा लेवल आ जाएगा शायद लाइफ में कि जहाँ पर आप सबके साथ होकर भी अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे शायद इतनी बड़ी एक जर्नी क्रॉस करके मुझे यहाँ तक पहुँचना था, मुझे अल्टीमेटली ये मिलना था। एक वैसे वाले जोन में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में थोड़े से अपने आप को अकेला महसूस करेंगे कि अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर अकेले ही आना था, ये पूरी जर्नी मुझे अकेले ही क्रॉस करनी थी। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं फॉर आइसो स्कॉर्पियो राशि। सो आया है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो थोड़ा स्पिरिचुअल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करें और वाइस वर्सा, तो इन चीज़ों में एक बैलेंस लाने की कोशिश करें, ठीक है। अगला कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो बहुत टाइम से अगर आप कुछ ज़िंदगी में सोच रहे थे कि कुछ आंसर्स मिल नहीं रहे या कोई चीज़ मिसिंग थी, तो वो वक्त अब शायद दूर नहीं है जब चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, जब चीज़ें आपको शायद एकदम साफ शीशे की तरह दिखने लगेंगी और चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। स्कॉर्पियो, सो एक चीज़ों में एक साफ समय आने वाला है, ठीक है। सो ये थी स्कॉर्पियो आपके लिए रीडिंग। होप आप इससे मैच कर पाए हों, और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, रीडिंग को लाइक करना। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।